श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे। भक्ति के विभिन्न साधन नारद जी बता रहे तस्या ज्ञानम एव साधनम इति के। कुछ आचार्यों का मत है कि बिना ज्ञान के भक्ति नहीं होती, दूसरों का मत है ऐसी बात नहीं। ज्ञान और भक्ति एक दूसरे को पोषक है, ज्ञान के कारण भक्ति बढ़ेगी, भक्ति के कारण ज्ञान बढ़ेगा। अब ये दो मत बताने के बाद नारद जी अपना परंपरा के अनुसार मत बताते हैं। भक्ति की साधना करने के लिए ज्ञान चाहिए कि भक्ति चाहिए, और कौन साधन योग्य है, इस पर 30वें सूत्र में कहते हैं, स्वयं फलरूपता इति ब्रह्म कुमाराः। स्वयं फल रूपता, जो स्वयं ही फल रूप है, माने भक्ति से और दूसरी कोई वस्तु निर्माण नहीं होती। इसको देखो पुरुषार्थ के प्रसंग में शास्त्रों में इसको परम पुरुषार्थ कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण, जैसे हम पैसे किस लिए कमाते हैं, पैसों के लिए, बोले नहीं। फिर पैसों से हमको भोग की सामग्री एकत्र करनी है, तो अर्थ पुरुषार्थ की परिपूर्णता केवल अर्थ में नहीं है, काम में है। इतना सारा पैसा इकट्ठा किया किस लिए किया, रखने के लिए नहीं, फिर उड़ाओ, खाएंगे पिएंगे घूमेंगे मौज करेंगे और क्या, उड़ाओ। और भोग कब तक करते रहेंगे, जब अनियंत्रित भोग होता है तब व्यक्ति के जीवन में कोई मर्यादा नहीं रहने के कारण मन में अपने ही भोग के कारण अनेक प्रकार के अच्छे बुरे विचार निर्माण होते हैं। उन अच्छे बुरे विचारों को कहते हैं पुण्य और पाप। और जब यह पुण्य पाप का विचार मन में आ जाता है तो अर्थ अर्थ के लिए नहीं काम के लिए, काम काम के लिए नहीं धर्म के लिए, क्योंकि धर्म के क्षेत्र में पुण्य पाप इत्यादि विषय आते हैं। और फिर हम धर्म के मार्ग से चलेंगे तो क्या होगा, हम परमात्मा के प्राप्ति के लिए चल पड़ेंगे। तो परम पुरुषार्थ जो है वो मोक्ष है। धर्म अर्थ काम, इन तीनों से छुटकारा पाना यही जीवन का, जीव का परम पुरुषार्थ है, अंतिम लक्ष्य है। अब यहां जो बताते हैं भक्ति की साधना क्या है, स्वयं फल रूपता इति, माने अर्थ का प्रयोजन पूर्ण हुआ काम मिलने से, काम का प्रयोजन पूर्ण हुआ धर्म मिलने से, धर्म का प्रयोजन पूर्ण हुआ मोक्ष मिलने से, और मोक्ष का प्रयोजन मोक्ष ही है, इससे और कुछ नहीं प्राप्त करना। इसी प्रकार से यह जो भक्ति है, क्या भक्ति से हमको कुछ और चाहिए, बोले नहीं। इसीलिए स्वयं फल रूपता, भक्ति ही साधन है और भक्ति ही लक्ष्य है। देखो कितनी सुंदर बात है, भक्ति ही साधन भक्ति ही लक्ष्य कैसा है। अब सवाल यह है, जब तक के भगवान के प्रति भक्ति नहीं होगी,
उनका उनकी सेवा कैसी करेंगे, उनका नाम कैसा जिह्वा पर आएगा, और जब तक उनकी सेवा नहीं करेंगे, उनका नाम नहीं लेंगे, तब तक भक्ति कैसी होगी? अब फंस गए ना, तो क्या करें? भगवान का नाम लेने में रस नहीं आता, क्या करें? तो उसका निदान है, निदान माने डायग्नोसिस। क्या निदान है? निदान ये है कि आपको मेंटल एसिडिटी हो गई। जिनको मेंटल एसिडिटी हो जाती है, मानसिक पित्त, तब उस व्यक्ति को भगवान के नाम में रस नहीं आता, आनंद नहीं आता। अच्छा, हमको अपने नाम में रस आनंद आता है कि नहीं? हां जी बिल्कुल। कारण क्या है? क्योंकि हमारा अपने से और उसके कारण उस नाम से प्रेम है। एक लड़का था, पेंटिंग का काम कर रहा था हमारे यहां, हम कहीं थे, मुंबई की बात है, कहीं की बात है, तो वो कागज की टोपी बन लगा करके, ये जो रंग वाले होते हैं ना, पहले खरोचते हैं दीवारों को और फिर उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं, चिकना बनाते हैं, पॉलिश करते, फिर रंग लगाते हैं, दो तीन कोट। तो जब वो था तो उसको मैंने कहा कि भाई तुम जिंदगी भर रंग ही देते रहोगे कि शादीशुदी करी है कि नहीं? तो उसने एकदम रख दिया हाथ में, स्वामी जी शादी तो मुझे करनी है। अरे बोला बाप रे, पहले काम कर ले अभी। तो बोले शादी तो मुझे करनी है, लेकिन एक समस्या आती है। क्या समस्या आती है? जिस भी लड़की को मैं पसंद करता हूं और वो मुझे पसंद करती है, वो मुझे कहते हैं सभी लोग, वो लड़की भी और उसके मां बाप भी, कि मैं अपने नाम को बदलू, और मैं नाम को बदलने को तैयार नहीं। तो मैंने कहा इतनी क्या खास बात है तुम्हारे नाम की, इसको लेकर के तुम लड़कियों को छोड़ रहे, शादी नहीं कर रहे, छोड़ दो नाम को। बोले नहीं। तो उसका जो दोस्त था काम करने वाला, दूसरा साथी, वो कहते हैं स्वामी जी इसका नाम दुर्योधन है। और ये कहता है कि मैं इस नाम को नहीं छोड़ूंगा, मुझे दुर्योधन ही रखना है हमेशा। अब मैंने कहा तुमको इस नाम के प्रति इतना आकर्षण क्यों है? बोले किसी का नाम नहीं होता दुर्योधन, मेरा अकेले का है। देखो, तो जब हमारा अपने प्रति प्रेम है तो अपने नाम के प्रति भी प्रेम होता है। तो भगवान के प्रति प्रेम नहीं होना, इसी को कहते हैं मेंटल एसिडिटी। एसिडिटी में क्या होता है? हर चीज कड़वी कड़वी लगती है। पता नहीं सुबह सुबह कैसे कैसे लग रहा है। कारण क्या है? जितना एसिड इकट्ठा हुआ था सब वो मुख में आ गया। उसी प्रकार से यह जो मानसिक एसिडिटी है ना, उसके कारण किसी में भी अच्छाई नहीं दिखती, किसी में भी प्रेम नहीं होता। तो क्या करे? तो उसके लिए उपाय है। क्या उपाय है? कि भगवान का नाम लेना शुरू कर दो, लेकिन मजा नहीं आता, मजे के लिए मत लो, लेने के लिए ले लो। अब इसके बारे में एक छोटी सी मैं बात बताऊं। एक लड़का अपने मां को मंदिर में ले आया और सत्संग को बाहर खड़ा रहा, विवेकानंद की पोज में, मंदिर में नहीं आया, और मां सत्संग करके बाहर निकली। और वो मुझे कहता है स्वामी जी आप तो कहते हैं ना कि भगवान हर जगह है, मेरी मां को समझाओ। हमने कहा देखो, जो समझती है वो मां नहीं होती, जो ना समझ है वो मां होती है। मैं क्या करूं बताओ? किसी भी मां को समझ होती तो वो बच्चे पैदा ही नहीं करते। मातृत्व ये ना समझी का ही तो चक्कर है, और क्या है? बोले स्वामी जी आई डोंट नो हाउ टू टॉक टू यू। आई सेड डोंट टॉक, नो नीड। तो बोले आप उनको समझाओ कि भगवान सब जगह है, तो मंदिर में लाने के लिए मुझे क्यों परेशान करती है?
मंदिर ले चलो, मंदिर ले चलो। तो मैंने कहा देखो मैं तुमको बताऊंगा लेकिन मां को मत बताना। क्या? हमने कहा देखो तुम जो कहते हो ना कि भगवान सब जगह है, मंदिर में आने की क्या जरूरत है। हमने कहा देखो तुम्हारे जैसे समझदार लोग बहुत कम होते हैं। ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है कि भगवान हर जगह है तो मंदिर में जाने की क्या जरूरत है। उनको तो वो बेवकूफ है ना, उनको तो ऐसे ही लगता है जब भगवान सब जगह है तो मंदिर में नहीं क्या। अब वो गड़बड़ा गया। क्या कहा आपने स्वामी जी? अरे बेवकूफ लोग जो होते हैं ना वो यही सोचते हैं कि भगवान सब जगह है और इसलिए मंदिर में भी है। आप देखो है ना, स्वामी जी आई एम गेटिंग टोटली कंफ्यूज। देखो और उसके बाद मैंने कहा देखो ये भगवान को मारो गोली, अब मेरी बात सुनो। क्या तुम इतना मां का विरोध करते हो लेकिन फिर भी मां को कार में ले आते हो? ले हां। मैंने क्यों? ऑफकोर्स इज माई मॉम, आई लव हर। वेरी गुड। अब तुम्हारे प्रेम के पीछे क्या कार्य कारण मीमांसा है? कोई कारण नहीं, क्योंकि तुम्हारे सिद्धांतों के विरुद्ध जा रही तुम्हारी मां, फिर भी तुम ले आते हो क्योंकि तुम प्रेम करते हो। हां। हमने कहा देखो यदि तुम किसी से प्रेम करते हो तो वो जिसके द्वारा प्रसन्न हो भी वो करना चाहिए ना। मैंने कहा तुम यदि तुम्हारी मां से प्रेम करते हो तो तुम मां को कहो कि देखो मम्मी मैं तुम्हारे लिए तो तुमको मंदिर में ले जाता हूं तो तुम मेरे साथ ये मैं खाने में चलो, वहां बढ़िया पिएंगे। कहोगे ऐसा? नहीं 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 समझे, आई कांट थिंक ऑफ दैट। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में उनके प्रति वास्तविक प्रेम है। वास्तविक प्रेम के लक्षण क्या है? जिसमें हमारा प्रेमी सुखी हो वो हम करेंगे। हाँ ठीक है। फिर मैंने उसको कहा यदि तुम्हारे मंदिर में जाने से तुम्हारी मां खुश होती है तो तुमको पाप लगेगा क्या कि तुमने मां को प्रसन्न किया? कितना भयानक पाप है। बोले नहीं। बस हमने कहा हमको इतना ही कहना और कुछ नहीं कहना, और वहां कहानी खत्म हो गई। दूसरे दिन जब वो आया मां को लेकर के सत्संग में, आ करके मां तो सामने बैठी नियम से सुनने के लिए, और वो पीछे दीवार के पास ऐसा बैठा मुंह में च्युइंग गम और दिल में असली गम। बैठा। अच्छा धीरे धीरे आप बैठेगा तो कान में जाएगी, और भगवान का नाम गुण संकीर्तन एक बार कान में जाए तो वो हृदय को पकड़ लेता है, फिर वो छोड़ता नहीं। और फिर धीरे 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 अब वो इतना सत्संगी हो गया है। उसकी मां कहती स्वामी जी मुझे पता नहीं आपको मैं कैसे थैंक्स दूं, मेरे बच्चे को आपने पूरा बदल डाला है। हमने कहा देखो मैया ये मेरी कुछ बात नहीं है, ये तो भगवान के नाम की महिमा है। इसीलिए स्वयं फल रूपता इति, एक बार इसमें लग जाओ, नहीं भी अच्छा लगता तो भी लग जाओ। धीरे 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 आपका मन जो है ना इसमें रस लेने लगेगा। ध्यान से सुनना, मन में जो अनेक बुराइयां है उसके साथ एक बहुत अच्छाई है। मालूम में कौन सी अच्छाई है? उसको कोई एक आदत डालो ना तो आदत पड़ जाती है, बहुत जल्दी आदत पड़ जाती है। सुबह उठ करके 6 बजे चाय पीने की आदत डाल दो, वो है अच्छी बात है। तो बिना घड़ी के अपने आप हम वहां काढ़े के पास जाते हैं। काढ़ा मीन्स निकालो, मराठी में काढ़ा का मतलब है निकालो, काढ़ा। तो वहां जाकर के हम अपनी चाय पी लेते हैं। इसी प्रकार से ये प्रयत्न करके देखो संतो, ये बोल के सुनने की बात नहीं है। भक्ति साधना भावना का अनुभव का विषय है। इसमें आएगी ना भक्ति के लक्षण जो है अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, उसमें आखिरी छठवां लक्षण है अनुभव स्वरूपम।
ये जो हम कह रहे हैं ना, इसका अनुभव यदि आपको हुआ तो आप भक्ति ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं, यदि आप समझ रहे हो तो सत्यानाश। समझो मत, समझने से क्या होगा, दूसरों को समझाओगे। जो भक्ति दूसरे को समझाता है उसके हृदय से भक्ति भागती है, रहती नहीं। अरे बाप रे, ये तो मेरा प्रचार कर रहा, उसका आचार करो, प्रचार मत करो। तो स्वयं फल रूपता इति ब्रह्म कुमाराहा। तो एक बार ये शुरू कर दो कार्यक्रम। अब ये कार्यक्रम मैं आपको बताता हूं, एक टेक्निक। ये टेक्निक मैंने एक सूफी संत से सीखी, बड़ी सिंपल टेक्निक है। वो कहते थे कि देखो, आदमी ने भगवान के नाम के बारे में लोभी होना चाहिए, ग्रीडी होना चाहिए। तो ग्रीडी आदमी, लोभी आदमी कैसा होता है, और बोले वैसे ही करना है ना। कैसे करो, तो बोले शुरू करो एक मिनट से, 24 घंटे में एक मिनट भगवान का नाम लेंगे। कब लेंगे, साधारण जो अपने नित्य कार्यकलाप है उसमें। फिर तो उन्होंने बताया, सुबह उठ करके तुम ब्रश करते हो क्या, मैं करता हूं। तो बोले नियम लगा लो, जैसे हाथ में ब्रश आया और उसके ऊपर पेस्ट लगाया, फिर पेस्ट को ठीक से बंद कर दिया, खुला नहीं छोड़ दिया, ठीक से बंद। कई लोग उसको ऐसा स्क्वीज करके ऐसा करके रख देते हैं। जब मैं किसी के कई घरों में जब जाता हूं तो मुझे इतना दर्द होता है, उनके किचनों में चले जाओ, वहां के किचनों के बर्तन को लगता है कि सब मुर्दे पड़े हैं, उसमें किसी में चैतन्य नहीं है। नो, देखो भक्ति का अर्थ है जीवन के हर क्षेत्र में रस आना है, आनंद आना है। देखो ये तो चारों तरफ गंदगी, वो जो कढ़ाई होती है ना जिसमें तेल में कुछ तलते हैं, वो तात्या टोपे की समय की, 1857 में तात्या टोपे ने अंग्रेजों को पकौड़े बना के खिलाए थे, वो कढ़ाई उनके घर में परंपरा से आई हुई। अरे राम ना, साफ सफाई रखने के लिए क्या पाप लगता है। तो सुबह सुबह उठ करके ब्रश लिया, उसके ऊपर पेस्ट लगाई, पेस्ट ठीक जगह रख दी, ठीक करके उसके बाद आपने ब्रश शुरू कर दिया। तो हाथ में ब्रश पकड़ने से फिर ब्रश वापस रखने तक नियम कर लो, क्या अब भगवान का नाम लेंगे इस समय, दूसरा कोई विचार नहीं करेंगे। तो श्री कृष्णा 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 शुरू कर दो। देखो तो आपके 24 घंटे में एक मिनट दो मिनट जितना लंबा ब्रश करोगे, लंबा भगवान का नाम होगा। तो दो चार मिनट, पांच मिनट भगवान के नाम में लग गए। अब ये एक बार आदत पड़ी तो अपने आप दिन में तीन बार ब्रश करते हो, 15 मिनट देखो फ्री। उसके बाद ये नियम पक्का हो गया। फिर दूसरा नियम, कौन सा नियम, खाना खाते समय किसी भी बात की बात नहीं करना। एक अम्मा है हमारे नेपाल में, बहुत प्यारी है, अब उसके बच्चे बड़े हो गए, कॉलेज में जाने लग गए, मैं उसको जानता था जब उसके बच्चे दो दो साल के थे, इतनी प्यारी है वो। और उस समय से जब वो छोटी कुंवारी थी उस समय से उसका एक नियम था, मैं उसको बहुत चिढ़ाता था, उसका एक नियम था, खाना खाते समय वो बोलेगी नहीं, वो नियम है उसका। तो मैंने उसको पूछा एक बार कि तुमने ये नियम क्यों लिया, बोले साहब जी मुझे पता नहीं, एक महात्मा जी हमारे घर आए थे और उसने मुझे बताया कि बेटा खाना खाते समय बोलना मत। बोले ठीक है, और तब से मैं अब कभी बोलती नहीं खाना खाते समय। अब उसमें देखो क्या हो गया, जब खाना खाते समय बोलते नहीं तो खाने पर टीका टिप्पणी नहीं, अपने आप बंद हो गया, दुनिया भर की बातें नहीं, अपने वहां लिखा है ना साइलेंस प्लीज, तो साइलेंस को ही साइलेंस कर दिया। वहां ऐसे लगता है कि पोल्ट्री फार्म में गए, कौ 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 चलता रहता।
तो यदि हमने खाना खाते समय भगवान का नाम लेने का नियम ले लिया तो प्रत्येक जो कौर दे रहे हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता कन्हैया लाल खा रहे हैं, उनको जरा प्रेम से गिराओ। उदर भरणनो हे जानिजे यज्ञ कर्म। देखो 5-10 मिनट खाने में लगा दो, 10 मिनट और लग गए, तो 24 घंटे में 15 मिनट 3 बार का 2 बार का ब्रश और 2-3 बार खाना खाओ तो 10-10 मिनट 30 मिनट 1 घंटा भगवान में लग गया। देखो फिर समझो आपको ऊपर चढ़ना नीचे पड़ना पड़ता है आपके बिल्डिंग में, तो ये नियम लगा लो, जब भी ऊपर चढ़ेंगे नीचे आएंगे तो हर कदम के साथ भगवान का नाम लेंगे, अलग से कुछ नहीं करना है। ऐसा धीरे 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 करते 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 हमेशा ये होड़ लगाओ कि अब तो अपना 1 घंटे का तो काम हो गया भैया, अब 1 घंटे को 1.5 घंटे कैसा बनाना है, 1.5 घंटे का 2 घंटे कैसे बनाना है। देखो स्वयं फल रूपता इति ब्रह्म कुमारा, लग जाओ इसमें, अपने आप भगवान के नाम में रस आने लगेगा। हम आपको बताएं, हम हरिओम का जब सालों से कर रहे हैं, आज की बात में बहुत पुरानी बात, बचपन से हरिओम हरिओम चल रहा। अच्छा अब हम एक जगह में गए और एक वहां के महात्मा ने मुझे कहा कि स्वामी जी आप इस जप का जप क्या करो, 2 माला तो आपके लिए ठीक होगा। फिर ठीक है महाराज जी, और मैं बैठ कर माला शुरू कर देता हूं, उनकी माला शुरू कर दे, कब वो हरिओम पर डिरेल हो जाती पता ही नहीं चलता, और उसमें अपने आप एकदम मन खो गया। देखो उसमें रस अपने आप आता है, करना नहीं पड़ता। जैसे बैल दुनिया में भटक करके शाम को घर आता है तो अपनी खूंटी पर आता है ना, तो अपने मन को राम नाम की एक खूंटी दे दो, स्वयं फल रूपता इति, अपने आप भक्ति प्रेम भगवान के लिए बढ़ेगा, उसके लिए और कुछ नहीं करना पड़ता। एक उदाहरण और दो आपको मैं, एक अम्मा, उसको दुनिया भर के बीमारियां, बुढ़ापे में दूसरा होता ही क्या है, शारीरिक, और भगवान ने शारीरिक दी हो तो हम मानसिक निर्माण करते हैं। मानसिक बीमारियां कैसी निर्माण करते हैं, अपनी ईगो के कारण। इसीलिए जिनको शारीरिक बीमारियां है ना वो सुखी है, कम से कम बिजी रहते हैं। जिनको शारीरिक बीमारियां नहीं उनका हमेशा मैं ये हूं मैं वो हूं 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 करके मानसिक परेशानियां खड़े कर लेते, तो वो बीमार हमेशा रहती थी और हमेशा जब भी मिलता था स्वामी जी ऐसा है। एक दिन मुझे पता नहीं क्या मूड आया, मैंने उसको बहुत डांटा, अरे कहा अम्मा तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारे यहां कभी नहीं आऊंगा, हमेशा रोती रहती है, जो भगवान ने दिया है उसके बारे में कभी कुछ कहा क्या, ये है वो है। हमने कहा हमको बिल्कुल पसंद नहीं, हम नहीं तुम्हारे आएंगे, कभी नहीं आएंगे। तो वो बेचारी और रोने लगे, रोना बट मैं जाऊंगा, अब उसकी परेशानी है, रोना भी आ रहा है जा रहे। अब मुझे मजा आ रहा था, मैं जब किसको डांटता हूं तो मुझे दुख नहीं होता। क्योंकि डांट के पीछे द्वेष नहीं है ना, इसलिए दुख नहीं होता। डांट के पीछे द्वेष हो तो दुख होता है, डांट के पीछे प्रेम हो तो दुख नहीं होता। मैंने उसको डांटा तो हमने कहा कि देखो वहां एक कागज किताब पड़ी हुई थी नोटबुक, तो मैंने ली और उसके ऊपर मैंने उसको लिख दिया, ओम श्री राम जय जय राम। वैसा मेरा हैंडराइटिंग अच्छा है, बहुत सुंदर लिख दिया मैंने, और उसको कहा अब रोज जब तक कि तुम्हारा हाथ दुख के गिरता नहीं नीचे तब तक लिखती रहो, दूसरा कुछ नहीं करना। और उस अम्मा ने जिंदगी में कभी कुछ नहीं लिखा, अनपढ़, पढ़ी लिखी नहीं, और फिर उसने पढ़ती अच्छी है, वो पढ़ती बहुत अच्छी है,
लिखा कभी नहीं उसने, और केवल वही हिंदी। तो उसने शुरू कर दिया। हमने कहा देखो हैंड राइटिंग गड़बड़ हो गया तो मैं फिर नहीं आऊंगा तुम्हारे पास। बोले ठीक है, अब उसको टेंशन। ओम श्री राम, लगी उसमें, और ऐसी लगी उसके सभी की सभी दवाइयां खत्म। अब उसको एक भी दवाई लेने की जरूरत नहीं, मस्त हो गई। तो उसकी जो डॉक्टरनी थी वो मुझे मिली। डॉक्टर वो कहती, स्वामी जी आप तो मेरे पेशेंट ले जाओगे। तो हमने फिर तुम पेशेंट बन के मेरे पास आ जाओ, फिर तुमको मैं हाथ में पकड़ाऊंगा, शुरू हो जाओ। स्वयं फल रूपता इति, इसलिए प्रेम करने से ही प्रेम बढ़ता है, प्रश्न करने से प्रेम नहीं बढ़ता। राम कहने का मजा जिसकी जुबा पर आ गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। देखो इसलिए भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति ही भक्ति से बढ़ती है। स्वयं फल रूपता इति, इसीलिए भक्ति करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं, योग की आवश्यकता नहीं, ज्ञान की आवश्यकता नहीं। भक्ति तुम जहां से हो वहां से शुरू हो जाओ। और क्या भक्ति है? केवल नाम स्मरण हो जाए शुरू, केवल नाम स्मरण लेते रहो, समझो ना समझो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार मुझे अभी भी किसी ने, यही के बच्चे ने, स्टूडेंट से पूछा, स्वामी जी आई डोंट नो संस्कृत एंड आई नो ओनली माय लैंग्वेज, माय मदर टंग। इफ आई टेक द नेम इन माय मदर टंग विल इट हेल्प मी, और आई हैव टू टेक द लॉर्ड्स नेम विच आई डोंट अंडरस्टैंड। So if I take the name of, like you say, Hariom, Hariom, now I don't have the Hariom meaning or anything, will it help? तो मैंने उसको कहा, तुम जब एस्प्रिन की गोली खाती हो तो तुमको पता है क्या ये गोली अंदर जाकर के तुम्हारा सरदर्द कैसा मिटाती है? बोले नहीं, मिटता है ना? बोले हाँ। ऐसे ही भगवान के नाम का है, कोई जानने की जरूरत नहीं। भगवान के नाम में जो शक्ति है वो अपने आप सब चीज करती है। देखो शब्द शक्ति है अचिंत्यत्वात्, शब्द के शक्ति को हम सामान्य ना समझें। यदि आपको शब्द की शक्ति को समझना है तो सुबह 9:45 बजे चर्च गेट रेलवे स्टेशन पर चले जाना, और जब पूरी बंबई बाहर निकलती है चर्च गेट से, स्टेशन से, उस समय आप चर्च गेट के अंदर घुसने का प्रयत्न करना, और उसमें कोई एक बहुत बड़ा सुमो होगा तो उसको रोकना और उसको एक प्रश्न पूछना, शब्द शक्ति हम बता रहे हैं आपको, उसको शब्द से पूछना, अरे बेवकूफ कहां जा रहे हो? शब्द है महामंत्र, उस शब्द के सुनते ही उसकी बाइसेप्स एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और इतनी कंफर्टेबली आपके नोज पर लैंड होगी कि नोज इधर से निकल आएगा। क्या हुआ पता नहीं, शब्द शक्ति है अचिंत्यत्वात्। इसलिए भगवान के नाम को साधारण मत समझ लेना। भगवान का नाम मालूम है कैसे कार्य करता है? होम्योपैथी प्रिंसिपल। होम्योपैथी में जितनी दवाई की मात्रा कम होगी उतनी उसकी पोटेंसी ज्यादा होती है। हम लोग सुनते तो है शबरी माता ने बिना समझ करके राम राम किया, एक दिन भगवान राम उसकी कुटिया पर पधारे। नहीं वो तो ठीक है, त्रेता युग में इस समय कौन आएगा? जगजीवन राम। शुरू कर दो महाराज, प्रश्न मत पूछो। इसलिए हम किसी को भी प्रश्न पूछने के लिए कभी प्रोत्साहन नहीं देते। प्रश्न पूछने से कुछ होता नहीं, हम प्रभु से दूर भागते हैं। अच्छा अब ये जो भगवान की भक्ति है,
स्वयं फल रूपता होने के कारण ज्ञान से कुछ नहीं लेना देना। अब यहां एकदम अस्पष्ट अस्पष्ट कह रहे हैं 31वें सूत्र में, राजगृह भोजनादिशो तथैव दृष्टत्वात् न तेन राजपरितोषः क्षुधा शांतिर्वा। अब देखो, केवल जानने मात्र से कुछ नहीं होता। कैसे समझो, कोई व्यक्ति किसी के यहां गया, यहां उन्होंने उदाहरण दिया है राष्ट्रपति भवन का। एक मनुष्य राजा के राजभवन में अथवा राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मिलने का गया, द्वारपाल ने रोककर पूछा, तुम कौन हो, क्यों आए हो? उसने परिचय दिया कि मैं राष्ट्रपति से मिलने आया हूं। राष्ट्रपति से तुम्हारा क्या परिचय है? मैं उन्हें जानता हूं। अरे बाबा, उन्हें तो पूरा संसार जानता है, वे तुम्हें जानते हैं कि नहीं? वो तो मुझे नहीं जानते। हट हट यहां से हट। देखो, हम भगवान को जाने से कोई मतलब नहीं। भगवान ने हमको पहचाना क्या कि ये मेरा भगत है? और भगवान कब पहचानेंगे अपने भक्त को? जब उनकी सेवा करी हो तब ना। देखो कितनी महत्व की बात है। इसी प्रकार से दूसरा, राजगृह भोजनादिशु, खाने के बारे में थीसिस लिख दिया। पापड़ की सब्जी कैसी बनानी भिन्न भिन्न प्रकार से, राजस्थान में बनती है पापड़ की सब्जी, इसलिए बोल रहा हूं मैं। मैंने जितना खाना खाया ना दुनिया में, और किसी ने नहीं खाया था। और मेरा उसमें बड़ा स्पेशलिटी है खाने में। तो आपने पूरा मेनू जाना, उसको कैसा बनाते हैं, आपने बिल्कुल इसका टीवी पर डेमोंस्ट्रेशन दिया, सब कुछ किया, तो उसके द्वारा आपकी क्षुधा शांति नहीं होगी। तो केवल मेनू पढ़ने से या दूसरों को बताने से, देखो चूल्हे पर पानी गर्म करने को रख देना, चावल दाल आधी आधी मात्रा में साफ करके मिक्स करके उसमें थोड़े नमक और हल्दी मिला करके पानी में डाल देना, ढक देना, आधे घंटे के बाद खिचड़ी बन जाएगी। एक ने ऐसा किया और हम उनके घर गए थे, और आधा घंटा हो गया खिचड़ी हुई नहीं। क्यों? बोले पता नहीं क्या हो गया स्वामी जी। तो हम गए, चूल्हा जलाता ही नहीं। अब चूल्हा नहीं जला, बोले इसमें तो लिखा नहीं था। देखो, जो पढ़ पढ़ के भक्ति होती है ना, वो ऐसी होती है। प्रेम ऐसा है कि जो उत्स्फूर्त है, समझ में अपने आप आ जाता है। समझदारी से जो प्रेम होगा वो व्यापार होगा, और प्रेम से जो समझदारी होगी वह शुद्ध ज्ञान होगा। देखो, इसीलिए कहते हैं न तेना राजपरितोषा, केवल हम राजा को या राष्ट्रपति को जाने तो उसके द्वारा राजा या राष्ट्रपति परितोष प्रसन्न नहीं होंगे। फिर कैसे प्रसन्न होंगे? उनकी सेवा करो। देखो, जब उनकी हमने सेवा करी तब वो प्रसन्न होकर के हमारे जीवन में उतरेंगे। इसी प्रकार से भोजन के बारे में प्रवचन करने से भूख नहीं मिटती, बढ़ती है। भोजन करने से ही मिटती है। इसी प्रकार से भक्ति पर प्रवचन करने से भक्ति नहीं बढ़ती। इसीलिए भक्ति के प्रवचन नहीं होते। भक्ति का नाम सप्ताह होता है और भगवत कथा होती है। देखो, वेदांत के प्रवचन हो गए, योग का अभ्यास होगा, कर्म का अनुष्ठान होगा, और भगवान की कथा होगी। देखो, चार शब्द है। और जहां कथा होती है ना, वहां समझना थोड़ी होता है, कथा भी सुनना होता है। भगवान श्री कृष्ण एक दिन मिट्टी खा रहे थे। क्यों? चुप क्यों?
अब कहां रहे थे? इसीलिए ये जो प्रश्न पूछने वाले होते हैं ना, उनके मन में भक्ति नहीं आ सकती। देखो, जहां प्रेम होता है वहां प्रश्न नहीं होता, वहां प्रेम ही होता है। इसीलिए कई बार हमको जब प्रश्न पूछते हैं ना, तो उनको क्या उत्तर मिला भगवान ही जाने, हम भी नहीं जानते। जैसे नो कभी कभी हम खाना खाने बैठे तो हम शांति से खाना चाहते हैं, और बैठे स्वामी जी आप दूध की चीज क्यों नहीं खाते? हमारी मर्जी। स्वामी जी आपको गुस्सा आ गया? नहीं, मारूंगा, गुस्सा आ गया, भागो यहां से, खाना खाने दो शांति से। हर चीज के बारे में प्रश्न, नहीं अच्छा लगता, नहीं अच्छा लगता। इसलिए यहां कहते हैं राजगृह भोजनादिशु तथैव दृष्टत्वात् न तेन राजपरितोषः क्षुधा शांतिर्वा। तो केवल गाल बजाने से ना तो राजा प्रसन्न होता है, और केवल व्यंजनों के बारे में बोलने से आहाहा कितना बढ़िया केसी रसगुल्ला है कलकत्ते का, कितना बढ़िया है चिड़ावा का पेड़ा, कितनी बढ़िया है केरला की इडली यदि हो तो, हमारे पंजाब का मूली का पराठा, और आप ऊपर चले जाओ शिमला में मक्के की रोटी और सरसों का साग, आहा बोली बोले कुछ खाने को मिला क्या? कुछ नहीं। तो उससे कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए न तेन राजपरितोषः न क्षुधा शांतिर्वा। इसीलिए 33वें सूत्र में कहते हैं तस्मात् सा एव ग्राह्या मुमुक्षुभिः। इसीलिए सा एव भक्ति को ही जीवन में ग्रहण करना है। अब देखो भक्ति की साधना की हम आपको एक रूपरेखा देते हैं। हमारे समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, ये बात बहुत सुंदर है, उपासने ला दृढ़ता लवावे भूदेव संतासी सदा नवावे सत्कर्म योगे वयघालवावे सर्वामुखी मंगल बोलवावे। चार सिद्धांत तो उन्होंने बताए, बहुत सरल है। अपने जीवन में उपासना का नियम होना चाहिए। ये जो दो टुक पुस्तक पढ़ लेते हैं ना उपनिषद की इधर उधर, तो ऐसे लगता है कि अब तो मेरा ये जो है ना सगुण साकार में ना जो मन ही नहीं लगता, लेकिन यदि रोटी का आकार टेढ़ा मेढ़ा हो गया ना तो बड़ा गुस्सा आता है। देखो सगुण साकार में यदि मन नहीं लगता आपका, तो इस जागृत अवस्था के किसी भी वस्तु व्यक्ति विशेष से आप प्रभावित नहीं होते, तब उसको कोई मतलब है। देखो यह अपने आप को धोखा होता है। जीवन में सगुण साकार का जब तक आधार नहीं होगा, तब तक के व्यक्ति निर्गुण निराकार में प्रवेश नहीं कर सकता। कारण हम जब तक अपने आप को सगुण साकार स्वीकार करते हैं, परमात्मा को निर्गुण निराकार ग्रहण करना असंभव है। तो जब बेवकूफ होने के बाद भी यदि हम सगुण साकार हो सकते हैं, तो वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान उसको सगुण साकार होने में काहे की अड़चन है? देखो इसलिए तस्मात् सा एव ग्राह्या, इसलिए अपने जीवन में भक्ति का अनादर ना करें। तो कैसे शुरू करें? पहली, जीवन में उपासना होनी चाहिए। कल मैं एक अम्मा से बात कर रहा था, वो बीमार है और बेड पर उसको लेटना पड़ता है, बैठ नहीं सकती, कुछ उसके हड्डी का चक्कर है। तो मैंने कहा कि अम्मा मैं दो चार दिन से बेड में लेट रहा था तो बड़ा परेशान था, अब तुम इतने दिनों से लेट रही हो तो तुम क्या करती हो? बोले स्वामी जी मैंने पहले पुस्तक पढ़ने का प्रयत्न किया लेकिन फिर हाथ दुखने लगे,
कब तो कैसे पकड़ते रहो। फिर लेक्चर सुनने का प्रयत्न किया तो उसमें भी इधर करो तो इधर चुपता, उधर करो तो उधर चुपता है, फिर उसको बदलने के लिए फिर उठना पड़ता है, उससे भी मैं तंग आ गई। फिर क्या किया, बोले अब मैंने एक शुरू कर दिया। क्या बोले, ये पुरुषोत्तम मास है, पुरुषोत्तम मास माने अधिक मास, अधिक मीन्स एडिशनल, अधिक मास है। हाँ, तो बोले मैंने रुद्री का पाठ शुरू कर दिया, वो मुझे कंठस्थ है, तो मैं क्या करती हूं, लेटे लेटे बेड पर शुरू हो जाता है रुद्री का पाठ, तो एक पूरा चमकम पूरा होने के बाद एक अनुवाक नमक का, फिर दूसरा चमक का पूर्ण होने के बाद दूसरा अनुवाक नमक का, तो चमकम नमकम चमकम नमकम, उसके 11 जब आवर्तन पूरे हो जाते हैं उसमें मेरे 2-3 घंटे आराम से निकल जाते हैं। ध्यान से सुनना, अधिक मास एडिशनल टाइम। हम जीवन में हमेशा दुखी होते हैं जब हमारे पास अधिक मास होता है, तब। बच्चों को कहां परेशानी है, वो तो बिजी रहते हैं खेलने में कूदने में घूमने में, इसके चक्कर में घूमो उसके चक्कर में घूमो, नौकरी लेनी है उसको मिलना है, कहां उनको बोर होने के लिए टाइम है, और हम नॉट आउट। पता नहीं बच्चे आजकल बिगड़ गए हैं, क्या कारण हो सकता है, आपके है ना, हाँ इसीलिए। देखो, फिर उसी को लेकर के रोने धोने लगेंगे, फ्रस्ट क्यों हो रहा है ये सब, क्योंकि पुरुषोत्तम मास आ गया। अब इस पुरुषोत्तम मास में भगवान का नाम लेने लग जाओ, जीवन में अनुष्ठान होने चाहिए, एक 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 अनुष्ठान लेना शुरू कर दो। देखो हमारे उत्तर प्रदेश के संत लोग, वो मैक्सिमम लोग रामचरित मानस का पाठ करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने लोग ऐसे हैं कि उनको पूरा रामचरित मानस कंठस्थ है, उनको कहीं से भी कोई भी एक चौपाई कहो और रुक जाओ, अगला शुरू हो जाता उनका। हमने कई देखे ऐसे, पढ़े लिखे कुछ नहीं, बस मस्त लगे रहते हैं। तो यह जो भक्ति की साधना है, इसका करने का तात्पर्य क्या है, इसमें समझना नहीं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें हमको अनुष्ठान से जीवन को जीना है। अनुष्ठान में जितना समय हम भगवान को दे सकते हैं उसको बढ़ाने का प्रयत्न, उसको कहते हैं अनुष्ठान। अच्छा, उसके बाद अपने जीवन में यहां जाना है वहां जाना है, ये करना है वो करना है, ये चक्कर निकाल डालो। कहीं भी जाओ, परेशानी की जड़ आप हर जगह होंगे। वेयर विल यू गो, वेयर एवर यू गो देयर यू आर द सोर्स ऑफ ऑल द मिजरीज। इसीलिए स्थानांतरण देशांतरण से कुछ नहीं होता, तो अपनी जगह डट के बैठे रहो, अपने नियम चलते रहे। देखो धीरे 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 आपके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति ऐसी बढ़ेगी, ऐसी बढ़ेगी कि आप प्रत्येक पेड़ पौधे से बात कर सकोगे। हमको तो आदमी से बात करना नहीं आता, पेड़ पौधों से बात करेंगे। देखो, एक मलयाली अम्मा है हमारी बंबई की, हमारा उनके साथ बहुत प्रेम है। मलयाली होने के कारण उसको हिंदी नहीं आती, और बंबई में होने के कारण हिंदी आती है, और इसीलिए उसकी हिंदी भयानक है। बड़ा आनंद है उसकी हिंदी में। अब वो हो गई 84 साल की, और उसके हस्बैंड है 92, और दोनों बीमार ही है, इसका ये दुखता उसका वो दुखता, दोनों बैठ करके झगड़ा करते रहते। मुझे कहते हैं, स्वामी जी जब आपको झगड़ा सुनने का इच्छा हो हमारे यहां आ जाना खाने के लिए। खाने के साथ झगड़ा फ्री मिलता है आपको। इतनी वो मस्त रहती है,
एकदम मस्त रहते। और फिर वो शुरू करेगी, मेरा जो हस्बैंड है ना, इसने, ये मेरा गुरु है। बोले कैसे गुरु है अम्मा? बोले ये ऐसा गुरु है कि जब मैं शादी होके यहां आई बंबई में, उस समय मैं छोटी थी 15-16 साल की, और ये अपना इनका कुछ जो भी करते थे, मुझे कभी घर से बाहर नहीं जाने दिया, कभी मंदिर में नहीं जाना, घर में कोई भगवान की तस्वीर नहीं, मैं ही तुम्हारा भगवान हूं, पति परमेश्वर। और बोले मेरे से अपनी पूजा करवाते थे और मुझे वहीं रहना है, ना कहीं जाना है, ना कहीं मिलना है, ना कहीं भगवान का घर में फोटो है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बोले मैंने एक दिन सोचा अब इसी आदमी के साथ जिंदगी भर जीना है, तो मैंने सोचा कि अब यही स्वीकार करेंगे। और उस दिन के बाद बोले मैंने अपने मन से मुझे कहीं जाना है आना है ये हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। उम्र 16 साल की 15 साल की छोटी सी लड़की। उसके बाद बोले न्यूज़पेपर का इनको बड़ा शौक, तो न्यूज़पेपर आता था तो मैं क्या करती थी, जब मैं ऑफिस में चले गए तो सिनेमा के एडवर्टाइजमेंट में भगवान के चित्र होते थे, तो कहीं श्री कृष्ण लीला तो वहां कृष्ण का चित्र होगा छोटा सा, तो मैं उसको काट करके अपने बिस्तर के तकिए के नीचे रखती थी। कृष्णा कृष्णा प्लीज टेक केयर ऑफ मी, प्लीज टेक केयर ऑफ माय हस्बैंड, आई नो ही इज वेरी गुड बट ही इज वेरी फनी, एनी वे दैट इज द रीजन आई एम कमिंग टू यू। शी स्टार्टेड टॉकिंग टू द लॉर्ड। फिर उसके दिमाग में आया दिन भर बैठे बैठे कितना काम करो, फिर उसने थोड़ा पेड़ पौधा लगाना शुरू कर दिया। चौथे फ्लोर पर रहती है, ऐसे कुंडियों में उसने पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दिया, और फिर उसको पेड़ पौधे से बोलना शुरू हो गया। देखो तुम जब बड़े हो जाओगे ना तो तुम्हारे नीचे कन्हैया आएगा, उसकी गाय आएगी। और उसका ग्रीन थंब हो गया, कोई भी पेड़ वो लगाती है तो मरी हुई डाली में से पत्ते निकलते हैं। देखो इतनी एकाग्रता, इतना प्रेम। और ऐसा उसने कहने के बाद हमने कहा पापा यू आर नथिंग टू से, तो ही विल से स्वामी जी ये मेरी ही पत्नी है कि जो मेरे जैसे राक्षस के साथ रही, दूसरी कोई होती तो मुझे छोड़ के चले जाती, मेरे लिए यदि कोई आदर्श है जगत में तो वो है। देखो बुढ़ापे में झगड़े होते हैं ना, अब इन दोनों का प्रेम देखो। ये कहती है मेरा यदि कोई गुरु है तो यही इसी के कारण मुझे कृष्ण मिले। और वो भी कहता है यही बात, यदि ये नहीं होती तो पता नहीं मेरे जीवन का क्या हो जाता। ये है तस्मात सा एव ग्राह्या मुमुक्षु भी। अपने हृदय में तर्क को मत लाओ, प्रेम को जागृत करो, और जहां प्रेम जागृत हो जाता है वहां प्रश्न नहीं होते, जस्टिफिकेशन नहीं होता, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। जहां मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो प्रेम नहीं है। देखो इसीलिए तस्मा सा एव ग्राह्या मुमुक्षु भी। मुमुक्षु भी जिनको इस कर्म योग और ज्ञान से मुक्ति पानी है उनके लिए। देखो महाराज हमारा अनुभव ये है, संसारी लोग कम दुखी है, आध्यात्मिक लाइन में आने वाले लोग ज्यादा दुखी है, क्योंकि संसारी लोग चौपाटी पर जाएंगे और वहां यूपी की भैया की बनाई हुई भेल लेंगे, और वो भैया वहां ऐसा करके उसमें बायोलॉजिकल सॉल्ट डाल देता है, और उसके बाद ऐसा करकरा करके आपको दे देता है, वो खाने में जिसको मजा आया वही जीवन में सुखी है। स्वामी जी लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया मालूम है? हम पढ़े लिखे हैं। अरे राम राम, हो गया सत्यानाश। अब हर जगह में
प्यूरिटी, क्लीनलीनेस, इन्फेक्शन। इसीलिए जब खाना खाने को बैठते हैं तो हाथ धो के खाना खा के बैठे, और पहला कोर खाया फिर हाथ धोया फिर जरूर जीवन का रस निकल जाएगा। देखो महाराज, इसीलिए तस्मात सा एव ग्राह्या मुमुक्षु भी, जिनको इस चक्कर से छूट जाना है। हम संसार से छूटने को आपको नहीं कहते, भक्ति कहती है संसार में रहो और भगवान की लीला का आनंद लो। फिर मोक्ष किससे चाहिए? कर्म, योग और ज्ञान से, तीन से बचो। हमारे विचार कई बार लोग सुनते हैं तो गुस्सा करते हैं, आई डोंट केयर। तस्मा सा एव ग्राह्या मुमुक्षु भी, इसलिए अपने जीवन में पकड़ना ही है तो केवल भगवान की भक्ति को पकड़ो। अच्छा, अगले सूत्र में कहते हैं तस्या साधनानी गायन्ति आचार्याः। ये जो आचार्य गण है ये भक्ति की साधना की गान करते हैं। देखो एक एक शब्द हमने आपको बताया था ना, कर्म में अनुष्ठान होगा, योग में अभ्यास होगा, भक्ति में परवचन होगा। पंजाबी में कभी प्रवचन नहीं होते, परवचन, दूसरे की बात कहो अपना कुछ नहीं। और भक्ति में गायंती आचार्य, वहां तो भक्ति का गान होता है। देखो जब जीवन में संगीत आने लग जाता है ना, तब समझ लेना भक्ति अप्रकट होने लग गई है। भक्ति में बोल जब संगीत का रूप धारण करते और चाल जब नृत्य की रूप धारण करती है, तब समझ लेना अब भक्ति थड़क रही है अपने हृदय में। तो तस्या साधनानी गायंती आचार्याः, कौन से है वो साधन? सबसे पहले 35वां, तत्तु विषय त्यागात् संग त्यागाच्च। अब वह जो भक्ति की साधना है उसमें पहली साधना क्या है? विषय त्यागात्। विषय माने क्या? विषय माने अपने इष्ट देवता को छोड़कर के जो भी है वो सब विषय है। देखो विषय शब्द का अर्थ बताते, विष माने जहर, जो जहर के जैसा है उसको विष कहते हैं। जहर क्या करता है? हमको मार देता है। विवेक चूड़ामणि में आता है विषयों का जहर कैसा है। जहरीला सांप जब आपको डसेगा तब उस जहर का प्रभाव आप पर होगा, लेकिन ये विषयों का विष ऐसा है कि वो आपके संपर्क में भी ना आए, दूर से ही देखने वालों को मार देते हैं। देखो इसलिए विषय त्यागात। इस जगत में कितने भी विषय इकट्ठे करो उससे कुछ होता नहीं, केवल कचरा इकट्ठा हो जाता है। अभी कल परसों मुझे एक अम्मा का फोन आया, उसकी कोई सिस्टर मर गई, तो बोले स्वामी जी मुझे उसका सब साफ सफाई करना था, घर का क्या करना है, अकेली थी। और बोले माँ बाप के साथ रहती, तो पहले बाप का संसार, फिर माँ आई, फिर माँ का संसार उसमें जुड़ा, उसके बाद ये पैदा हुई, इसने शादी नहीं करी थी, इसका संसार वहां जुड़ा। हर एक ने सामान इकट्ठा करते 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 उस घर में से सब लोग निकल गए मर के, सामान बचा है। देखो कितना हम इकट्ठा कर लेते हैं। देखो एक बात हम आपको बताएं, जगत के विषयों का त्याग करने का तात्पर्य क्या है? जगत के विषयों का त्याग करने का तात्पर्य यह है, जगत के किसी भी विषय पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, ये समझ के रहना। देखो कितनी सहज बात है, जहां हमने जगत के सभी विषयों पर अपने अधिकार का त्याग कर दिया
तो वो विषय आपको परेशान नहीं करेंगे। और जहां आपने किसी पर कोई अधिकार जमाना शुरू कर दिया तो आपके दुख का कारण प्रारंभ हो गया। इसलिए तत्तु विषय त्यागात। और यहां हमारे स्वामी जी ने तत्व का चिंतन किया है, हम पढ़ेंगे आपको बताएंगे, बड़ा सुंदर सूक्ष्म और बिल्कुल 5-6 लाइनों में किया है। स्वामी जी की विशेषता यही रही, उन्होंने अत्यंत जटिल कठिन और क्लिष्ट विषय को 2-2 शब्दों में कहा है। कहते हैं वेदांत सांख्य और योग ये तीनों दृष्टु दर्शन है, माने अहम तत्व प्रधान, तीनों दर्शनों में मैं का महात्म्य होता है। इनमें दृष्टा आत्मा का स्वरूप बतलाया गया है। भक्ति दर्शन दृश्य है। अब ये जो तीन दर्शन है वेदांत सांख्य और योग, इसमें सबका सब ध्यान मैं के तरफ है। और भक्ति कैसा है, भक्ति दृश्य दर्शन है, सबका सब ध्यान अपनी तरफ नहीं दृश्य के तरफ है। अच्छा, और दृश्य दो प्रकार का होता है, एक भगवान और दूसरा अन्य सब वस्तुएं। यह जो दूसरा दृश्य है वह विषय है, और भगवान के अतिरिक्त संसार में जो कुछ है वो विषय है, और विषय मात्र बंधन का हेतु है, अतः उसका त्याग करो। तो भक्ति में हमको अंतर्मुखी नहीं होना, झंझट खत्म। नहीं तो बैठ करके आप अपने चित्तवृत्ति को नासिकाग्र पर ले जाओ। स्वामी जी एक प्रश्न है, अरे राम राम राम, क्या प्रश्न है? नासिकाग्र कौन सा होता है, ये या ये? देखो ये पेंसिल है। अब हमने कहा पेंसिल के अग्र पर, अब पेंसिल का ये है अग्र कि ये है अग्र? आ गया ना प्रश्न? और किसके, किसका नाक, पत्नी का? इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में स्पष्ट कहते संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम। अच्छा अच्छा अपना, ठीक है, दूसरे का नहीं। तो यह भक्ति में ये कोई चक्कर नहीं, जो दिख रहा है वही देखो। कितनी आसानी है देखो। एक बार एक सज्जन ने मुझे प्रश्न पूछा, स्वामी जी मन के विचारों को कैसा बंद किया जाए, मन में इतने विचार क्यों आते हैं? तो हमने कहा देखो तुम्हारी समस्या वालों में क्या है, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम आंखें को खोल के रखे हो और साधना कर रहे हो, क्या कि मैं कुछ देखू नहीं, मैं कुछ देखू नहीं। अरे बंद कर डालो ना, क्यों परेशान हो रहे हो? देखो आंखें खुली है तो दिखेगा ही, उसी प्रकार से मन है तो विचार आएगी ही। यू कांट डू एनीथिंग। तो फिर क्या किया जाए? उसके लिए गोबर ट्रीटमेंट, ये आसन करो, इतने प्राणायाम करो। महाराज जी इतने प्राणायाम करने के बाद मेरे प्राण बचेंगे क्या? मैं तो वही ट्राई कर रहा हूं कि प्राण निकल गए तो मन का चक्कर ही नहीं रहेगा, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। देखो इसी प्रकार से यह स्पष्ट बताते हैं, अरे भैया दुनिया दिखती है ना आंखों से, कानों से, नाकों से, देख लो ना उसमें क्या खराबी है। और क्या देखना है, ध्यान से सुनना, भावना करनी है। क्या भावना करनी है? अपन के लाइफ में, बंबई, अपन के लाइफ में भगवान के सिवा कोई अतैच नहीं, इस सिद्धांत को पकड़ के रखो। अब देखो हम अपने घर में रहते हैं, और एक बार हम अपने घर में थे और डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, और उस समय हमने बेदिंग सूट पहन के रखा था।
तो एक सज्जन आए, बोले स्वामी जी डाइनिंग टेबल पर बेदिंग सूट पहन के बैठे हो, ऐसा क्यों? हमने कहा घर किसका है? स्वामी जी घर आया है, मेरे घर में मैं कैसे रहूंगा इसका निर्णय कौन लेगा? आप ले, चुप हो जाओ। दूसरे बार वही सज्जन फिर आए, मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था और वेडिंग सूट पहना हुआ था। स्वामी जी आप क्या करें? सो रहा हूं। वेडिंग सूट पहन के? हाँ। क्यों? बिस्तर किसका है? आपका है। फिर मैं अपने बिस्तर पर कैसे से हूं? आप कौन डिसाइड करने वाले होते? स्वामी जी आपसे बात करना बेकार है, मत करो। अब ये बात समझ में आ गई, अब इसी को लगाओ। ये दुनिया किसकी है? भगवान की। वो भगवान हमारे सामने किस भेष में आएंगे इसका निर्णय कौन लेगा? वो लेंगे। देखो प्रश्न मत पूछो। यशोदा मैया के जीवन में भगवान जैसे कृष्ण के रूप में आए थे, वैसे मेरे जीवन में किस रूप में आएंगे? पति? क्या? स्वामी जी कांट यू थिंक अबाउट एनी बेटर जोक? इसीलिए भगवान के नाम के साथ जुड़ा है पतित पावन सितारा। पतित माने जो गिरा हुआ है उसको पति कहते हैं। पति को तकार लगाने से वो गिर जाता है, उसको उठाना यही तो पत्नी का कार्य है। तो उसमें भगवान को दर्शन करना शुरू कर दो। जो पत्नी अपने भगवान पति में भगवान का दर्शन करेगी ना, उसको मैं गारंटी से बताता हूं भगवान दिखेंगे। क्योंकि जो असंभव में संभव हो सकता है। अब मुझे बताओ ये असंभव में संभव नहीं क्या? हम सामने देखते हैं एक पत्थर और कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे पत्थर को देख रहे, शिव जी को याद कर रहे। अरे तो आदमी को देखो, भगवान को याद करो ना। ये सब भावना का खेल है। इसीलिए तत्व विषय त्यागार, विषयों का त्याग करना माने। और अगली बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। विषय का त्याग करना माने अपने जीवन से भोग प्रवृत्ति का त्याग करना। विषयों के साथ ही भोग होता है, देखो। और जो वस्तु हम भोग के दृष्टि से नहीं देखते, उस वस्तु के साथ योग होता है और भोग का बंधन होता है, योग में मोक्ष होता है। अब उसको समझने का प्रयत्न करो। जब हम किसी वस्तु को परिच्छिन्नता के रूप में ग्रहण करेंगे तो उसके प्राप्ति की कामना होगी, उसके भोग की कामना होगी और उस वस्तु की तरफ भोग की दृष्टि बनी रहेगी। जिस वस्तु के तरफ भोग की दृष्टि बनती है उस वस्तु को हमने विषय के रूप में देखा है, और जिस वस्तु के तरफ हम भोग की दृष्टि से नहीं देख सकते चाहते हुए भी उस वस्तु को प्राप्त करने की कामना नहीं होगी। उदाहरण के लिए आप किसी स्थान पर गए, ऐसे ही शाम के समय। एक बार की बात है, रिसेंटली एक दो साल पहले हम विशाखापट्टनम गए थे। विशाखापट्टनम में समुन्द्र के किनारे का जो रास्ता है 10-20 किलोमीटर 40 किलोमीटर, बहुत सुंदर है, अति सुंदर है। पहाड़ी वगैरह है और अच्छे रोड बने हुए हैं। आंध्र प्रदेश में रोड अच्छे हैं। सबसे घटिया रोड देखने हो तो मध्य प्रदेश में चले जाओ, और उसके साथ कंपटीशन करनी हो तो आप बिहार में, झारखंड में, यूपी में जितने जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के रोड है वो ठीक है।
राजस्थान में चक्कर ही नहीं रोड का, कहीं पीछे दिखा तो आचरण रोड है क्या, ऐसी स्थिति है। तो वहां जब हम गए, शाम का समय था और हमको कुछ मालूम नहीं, पहली बार हम गए तो जैसे हमारी कार ऐसी टर्न की, एकदम सामने पूरा का पूरा समुद्र आ गया और उसी समय सूर्यास्त हो रहा था। तो हमने कहा हे रुको, और वही गाड़ी रुकी और हम 10 मिनट शांत होकर के वो सूर्यास्त का दर्शन, इतना सुंदर, उसके बाद हम आगे चल पड़े। उस समय हमारे मन में ये इच्छा नहीं हो सकती क्या, कितना सुंदर है समुद्र और सूर्यास्त, उसको घर ले चले। देखो, अनंत को देख करके इच्छा नहीं होती। और ऐसा ही एक आधा पिक्चर पोस्ट किसी दुकान में लटका हुआ हो और आप वहां दुकान के बाहर में लटक रहे, कुछ काम तो है नहीं, चलो लेट अस गो फॉर विंडो शॉपिंग। कई लोगों को ये शॉपिंग का रोग लग जाता है, हो यदि वो रोज शॉपिंग नहीं करेंगे तो उनको मुश्किल हो जाती है। तो किसी को भी अपने पैसा खर्च करके कुछ ले आएंगे, शॉपिंग का रोग है इसको कहते। तो जाएंगे वहां, देखेंगे चित्र, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। यदि ये दुकान से हटकर के अपने घर के दीवार में लटकाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। फिर पति को कहा, हम इसको ले लेंगे क्या, किस लिए लेंगे, अपने घर में दीवार कहां बची है अभी, अब सिर्फ एक क्रॉस बचा है, वो तो मेरे लिए छोड़ो। यू डोंट हैव एनी एस्थेटिक सेंस। नहीं, लेकिन घर में जगह है कहां, हां है कहां, बाथरूम में एक दीवार खाली है। लोगों के यहां जाके देखो, बाथरूम में भी चित्र होते हैं, इतना इकट्ठा करके रखेंगे। जहां आपने परिच्छिन्न वस्तु का दर्शन किया वहां भोग की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। ध्यान से सुनना, यदि ये संपूर्ण जगत परमात्मा की अभिव्यक्ति है, भगवत स्वरूप है, यह आपके हृदय में भावना दृढ़ हो गई। देखो, केवल खेल भावना का है। यदि आपके हृदय में यह भावना दृढ़ हो गई कि यह संपूर्ण जगत भगवान की ही अभिव्यक्ति है, विभूति है, तो भगवान की अभिव्यक्ति विभूति के साथ भोग की कामना कभी नहीं हो सकती। और इसीलिए तत्व विषय त्यागात, इसलिए भक्ति दर्शन भले अनात्म दर्शन हो लेकिन उस अनात्मा में परमात्मा का दर्शन करना है। और जहां परमात्मा का दर्शन हो गया तो आत्मा की परिच्छिन्नता गायब हो गई। देखो महाराज, बहुत ही सूक्ष्म है ये, जिसको समझ में आया वो समझ में आया, और जिसने अनुभव किया उसने अनुभव किया, जिसको समझ में आया दूसरे को समझाने के लिए परेशान हो रहा, उसको मिलेगा तो कैसे समझाऊंगा। एक बार भगवान रामकृष्ण परमहंस बताते हैं, दो आदमी एक आम के बाग में गए एकदम चोरी छुपके से। वहां जाने के बाद उसमें से एक जो था पेटू, धड़ाधड़ आम को तोड़ के मसल के खाना शुरू कर दिया। दूसरे ने कागज पेंसिल निकाले, नोट्स निकालने लग गया, कितने प्रकार के आम इस बाग में है, प्रत्येक आम को कितने एवरेज फल लगते हैं और इसके कितनी फ्रीक्वेंसी है, पर एकड़ में कितने पेड़ लगे हैं और लगे जा सकते हैं क्या। और दूसरा धड़ाधड़ आम खा रहा, उतने में वहां का बागवान आ गया, जो आम खा के मस्त हो गया वो भाग गया, और ये कागज पेंसिल क्या कर रहे हो तुम, पकड़ा गया। इसी प्रकार से इस जगत में अनुभूतियों में परमात्मा को पकड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं भक्ति। देखो, और ज्ञान के बंधन में पढ़कर के भगवान को समझने का जो प्रयत्न है वो है बाकी सभी शास्त्र। इसलिए तत्व विषय त्यागात और आगे संग त्यागाच,
दूसरी महत्व की बात, संघ का त्याग करना। संघ का त्याग करने का तात्पर्य क्या है? जिस प्रकार के संघ में रह करके हम प्रभु से दूर भटकते हैं, वहां से एकदम अपने आप को बचा के रखो। एक बात ध्यान में रखना भैया, इस चीज को अपने मन से हमेशा के लिए हटा दो कि आपके कारण कोई दुखी हो रहा है। कभी नहीं होता है। फिर जहां तक के दुख का सवाल है, प्रत्येक व्यक्ति सेल्फ सफिशिएंट है, दूसरों से उधार लेकर के दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने पास बहुत है, रखना अपने पास। इसलिए कल्पना में मत पड़ना कि देखो मैंने ऐसा किया तो उसको दुख होगा। कोई किसी को दुख नहीं देता दुनिया में, प्रत्येक व्यक्ति दुनिया में अपने ही कारण दुखी है। यहां हम मार खाते हैं, हम इसलिए कह रहे हैं आपको क्योंकि हम मार खा चुके हैं। नेकी कर कुएं में डाल, नहीं नहीं नहीं, नेकी कर जूते खा, मैंने खाए तू भी खा। ये बात है। इसलिए जगत में जो भी दुखी है दुखी रहने दो, आपको कोई लेना देना नहीं। सेवा कर सकते हो तो करो, और कोई आपके कारण दुखी होता है तो उसको फ्रीडम है। Why should he stop him? You want to be miserable because of me? तथास्तु। देख लो और miserable हो रो, हो गया? चलो आगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। जो मुझसे जैसा चाहते हैं उसको वैसा मिलता है। देखो भगवान के कारण शिशुपाल दुखी हुआ, अब उसके लिए भगवान का क्या दोष है? भगवान ने उसकी इच्छा पूरी की। देखो आपके कारण कोई दुखी होता है यह गलत विचारधारा है, और इस प्रकार से अपने आप को बचा के रखो। जहां आपको लगा अरे भैया अब इसके कारण अपने भजन में व्यवधान आने वाला है, दबाओ दुम नीचे और भागो। हमारे कन्हैयालाल की लीला मालूम है ना आपको? रणछोड़ दास, उनको युद्ध के मैदान से भाग जाने में शर्म नहीं आई। हमको भी जब देखा इस दुनिया में कहीं किसी वस्तु व्यक्ति देश काल परिस्थिति में रहने से अपने भजन में यदि किसी प्रकार का व्यवधान आता है तो भागो। हमको कहीं जस्टिफाई करना नहीं है, किसी को कुछ बताना नहीं, किसी को सुधारना नहीं, किसी को कुछ नहीं, अपने आप को बचा के रखो बस। संगत त्यागात, मनुष्य दुसंग से ज्यादा अपनों से परेशान होता है। देखो कोई मरा तो दुख नहीं होता, मरने वाला कोई अपना हो तो दुख होता है। कोई लड़का गलत मार्ग से गया तो हम फिलासफर बनते हैं, और अपना लड़का अपने कहने के अनुसार नहीं चला तो दुखी बनते हैं। यही है जीवन का सिद्धांत, जिसके कारण हम दुखी होते हैं वह त्याज्य है। हमने आपको एक बात बताई थी ना हमारे एक मित्र की, बड़े स्पष्ट विचार के और एकदम प्रसन्न चित्त, उनका एक ही सिद्धांत, स्वामी जी मैंने बहुत कर लिया जो कुछ करना था, अब मुझे भजन करना है, बच्चे नहीं जाने देते, क्या करूं? हमने कहा भागो, कोई जरूरत नहीं किसी के साथ रहने की। बोले कैसे भागे? मैंने वो भी मैं बताऊं क्या? बोले नहीं जाने देते। मैंने आपको जाना नहीं इसलिए आपको ये एक बहाना मिल रहा है। बोले नहीं नहीं मैं असली जाना चाहता हूं। हमने कहा ऐसा करो कि आप जरा घूमने जा रहे दो आठ दिन के लिए, दोनों मियां अभी भी निकलो, एक एक छोटी छोटी सूटकेस लेकर के, वापस जाओ ही मत, क्या करेंगे? और हाँ ये तो मुझे स्ट्राइक हुआ ही नहीं। हमने कहा इसलिए कि आपको जाने की इच्छा नहीं है। और फिर उन्होंने वैसा किया, आप सब ठीक है, हमको ही लगता है हमारे बगैर दुनिया कैसी चलेगी, हम नहीं होने से दुनिया अच्छी चलेगी,
इसलिए संगत त्यागात, ये दो चीजों को जीवन में लाना माने भक्ति की साधना करना। अब क्या नहीं करना पहली बात बताइए, अब क्या करना चाहिए ये अगली बात 36वें सूत्र में है, हम बाद में लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।